जो फ्रेंड्स ये समझते हैं कि गार्डनिंग बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगी और हम कैसे कर पाएंगे इस सब को, लेकिन हमें प्लांट्स का तो बहुत शौक़ है, हम ये सब कैसे करेंगे, आज ये वो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं फ्रेंड्स के लिए है। तो देखिए, मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सड़क से उठाए हुए कटिंग्स और प्लांट्स आज मेरे पास किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, वो आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये हिबिस्कस की कटिंग दिखाती हूँ। मेरे पास ये दो हिबिस्कस की कटिंग्स हैं। ये हम एक जगह पर गए थे, वहाँ पर ये हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ था, बहुत ही प्यारे, इस पर बहुत ही सारे गुच्छों में इस पर फ्लावर आए हुए थे। मुझे ये प्लांट बड़ा प्यारा लगा तो मैंने उनसे परमिशन लेके इसकी दो छोटी सी कटिंग मैंने ले ली, ऐसे ही हाथ से तोड़ ली थी मैंने, और आके इसको मैंने ऐसे ही, ये मेरा एक पुराना टब है जिसमें मैं अपनी कटिंग्स लगाती रहती हूँ, उसमें लाके बस मैंने ऐसे ही इसको लगा दी और मैं इसको लगाकर भूल गई। मैं सब कटिंग्स को ऐसे ही करती हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती उन पे। और आज देखिए, ये दो कटिंग मेरी कितनी अच्छी हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फ्लावर देता है मेरा, अब भी आप देख सकते हैं इस पे कितनी सारी बर्ड्स हैं। इसकी जो हर एक ब्रांच है, सब पे आपको तीन तीन चार चार बर्ड्स दिखेंगी, जो कि मैं बहुत खुश होती हूँ उसको देख करके। आज सड़क से उठाया हुआ प्लांट, आज ये क्या रूप इसने मेरे पास ले लिया है, मैं बहुत खुश होती हूँ इसके फ्लावर को देखकर। और इसके फ्लावर भी बड़े प्यारे हैं, रेड कलर के, बहुत ही डीप रेड कलर के इसके हिबिस्कस के फ्लावर हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। और इस पे ऐसे ही हमेशा फ्लावर बने रहते हैं। और आगे मैं इसको, अब ये कटिंग थी, अब मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊंगी और तब ये भी ऐसा ही रूप ले लेगा जैसा वो प्लांट था, उस पर भी हज़ारों में फ्लावर आए हुए थे। और ये सिर्फ दो ही कटिंग हैं और बहुत अच्छी ये मेरी ग्रो हो गई हैं, और इस सीज़न में इस पे बहुत अच्छे फ्लावर खिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस कटिंग को देखकर। आपको ये वाली मेरी कटिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं है गार्डनिंग करना, जो लोग समझते हैं गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक प्लांट मेरा ये है, देखिए ये प्लांट मेरा बिल्कुल टूट गया था। ये प्लांट वो है जो आपने देखे होंगे, सड़क के किनारे लगे रहते हैं ये वाले प्लांट्स, हमें अपने जो है अपने घर के बाहर प्लांट लगाना था, लेकिन ये मेरा बिल्कुल टूट गया था यहाँ से और इसको ऐसे ही एक तरफ फेंक दिया गया था कि अब ये ग्रो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ये डंडी दे दो, मैं अपना आप ग्रो करके देखूँगी, और मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। काफ़ी टाइम बाद, दो तीन महीने बाद तक ये ऐसा ही रहा, मुझे ऐसा लगा शायद नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी इसको नहीं निकाला, मैंने लगा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और आज देखिए ये कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, वहीं से इसका दूसरा स्टेम निकला और आज देखिए कितना अच्छा ये ग्रो हो गया है। और ये है मेरा चंपा का प्लांट, ये भी फ्रेंड्स एक जगह मुझे चंपा के फ्लावर बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसे ही ये सड़क पर लगा हुआ था और मैंने इसकी ऐसे ही एक डंडी तोड़ ली। मुझे नहीं पता था मैं इसे ग्रो कर पाऊंगी या नहीं, मैंने इसको लगा दी। बहुत लंबी इसकी भी कहानी है, मैंने इसको बिल्कुल लगा दी और ये कम से कम चार पाँच महीने ऐसे ही लगी रही, इस पर कोई भी लीव्स नहीं निकली, कुछ नहीं निकली। मैं निराश हो गई, मैंने काफ़ी टाइम हो गया है इसको, अब मुझे निकाल ही देना चाहिए, मुझे पॉट की ज़रूरत थी। तो मैं इसको, फ्रेंड्स आप यकीन मानिएगा, मैं अगले दिन बिल्कुल मैंने मन बना लिया था मैं इसका निकाल कर फेंक दूंगी, शायद ये ग्रो नहीं होगी। और जैसे ही मैं अगले दिन अपने गार्डन में आई, इस पर मुझे दो लीव्स बिल्कुल न्यू दिखाई दी, जिसे देख कर मैं इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती। फ्रेंड्स ये सबसे अच्छी मैं अपनी कटिंग मांगती हूँ, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल निकालने जा रही थी और ये इतनी अच्छी ग्रो हुई, मैं यकीन नहीं कर पाती। और आज देखिए लीव से भरी पड़ी है, जबकि इस पे फ्लावर तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बिल्कुल लीव से भरी पड़ी है। तो मैं अपने दोस्तों को कहना चाहती हूँ, अगर दिल से हम कोई चीज़ लगाएं तो वो हमारी ज़रूर ग्रो होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम गार्डनिंग नहीं कर पाएंगे, हमें शौक़ है लेकिन हमसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये इस बात को दिमाग से निकाल देंगे तो आप सब चीज़ें ग्रो कर पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा टिकोमा। इसकी तो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी,
जब ये मेरा बिल्कुल छोटा सा था। आप मेरी वीडियो पुरानी जो है आप टिकोमा की देख सकते हैं, जब ये मेरी बिल्कुल आराम से ग्रो हो गई थी, मैंने उसके बाद आपके साथ शेयर भी की थी इसकी वीडियो। उस टाइम पे ये बिल्कुल छोटा सा पतली सी ऐसी डंडी थी जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और ये भी मुझे नहीं लगता था हो जाएगी, लेकिन आज देखिए कहाँ तक बढ़ रही है। और मैंने आपके साथ इसके फ्लावर भी शेयर किए थे, बहुत अच्छे गुच्छों में येलो कलर के फ्लावर इसके आते हैं, येलो बेल्स भी बोलते हैं इसको, और आज देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। तो ये भी मेरी बहुत आराम से कटिंग हो गई थी। और ये देखिए मेरा फ्रेंड्स सुदर्शन का प्लांट है, ये भी बिल्कुल बेकार एक जगह पड़ा था, एक बहुत ही बिल्कुल बेकार कंडीशन में था। बेकार क्या, बिल्कुल ख़त्म प्लांट था ये। मैंने भी इसको भी, ये सिर्फ आप नीचे का अगर इसका स्टेम जो है वो था खाली, इस पर कोई लीव्स कुछ नहीं था, गला सा पड़ा था ये बिल्कुल। और मैंने सोचा इसको भी मैं लगा देती हूँ, होता है तो ठीक है, और मैंने भी इसको लगा दिया। और देखिए कितने अच्छे इसके लीव्स बड़े बड़े निकल रहे हैं, बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक, मुझे इसका नाम तो याद नहीं है, ये एक फ्लावर वाला प्लांट है, बहुत अच्छे समर के इस पे बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। ये भी बस सिर्फ मेरे पास एक बल्ब था, पुराना ख़राब बिल्कुल ऐसा बल्ब था कि लगेगा या नहीं, मैंने इसको भी लगा दिया। और आज देखिए इसकी लीव्स आप कितनी बड़ी हो रही हैं, सिर्फ मुझे इसके फ्लावर का इंतज़ार है, अभी तक इस पे फ्लावर नहीं खिला है, जल्द वो भी खिल जाएगा, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने लेंटाना का एक छोटा सा एक फ्लावर आ रहा था, उस पर बहुत सारे मिली बग्स लग गए थे, तो मैंने उसको ऐसे ही काट दिया और उस पर से मिली बग्स को मैंने धो दिया। और मैंने सोचा कि ये एक कटिंग मुझे लग रही है, मैं शायद इसको लगा पाऊँ, और मैंने ऐसे ही इसको लगा दी। बहुत छोटी थी, 2-3 इंच की कटिंग होगी, तो कटिंग क्या, जैसे हम काट देते हैं मिली बग्स की वजह से हम स्टेम थोड़ा सा काट देते हैं, ये बस वो था। और मैंने इसको भी ला के लगा दिया, और देखिए ये भी कितना अच्छा मेरा ग्रो हो गया है, ये लेंटाना का प्लांट है। जब ये बड़ा होगा मैं आपके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स मैं कटिंग कभी भी किसी भी टाइम लगा देती हूँ, और हमेशा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है वीडियो बनाना, और इसलिए मेरी छूट जाती है कटिंग लगाना। ये देखिए मैंने ये फाइकस की कटिंग लगाई थी, और ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी बड़ी ग्रो हो गई है मेरी, बहुत अच्छी कटिंग लगी है मेरी। ये भी मैंने 2 इंच की लगाई होगी बस कटिंग, जो फाइकस की कटिंग होती है वो बहुत छोटी कटिंग लगती हैं। और भी मैंने लगाई हुई हैं, ये देखिए इसमें मैंने फाइकस की बहुत सारी कटिंग लगाई हुई हैं, 2 गुड़हल की लगाई हुई हैं, सब ग्रो हुई हैं, और बस इनको अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, इनमें से नहीं निकाला है फाइकस की, इसकी में बहुत सारी कटिंग है, 4-5 कटिंग होगी, सबकी सब ग्रो हुई हुई हैं, और लीव्स भी आप बिल्कुल देख रहे होंगे बिल्कुल फ्रेश हैं उसमें। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाह रही थी कि बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि गार्डनिंग बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए, उन्हें प्यार दे के देखिए, और वे देखिए आपको कितना ज़्यादा खुश कर देंगे। जैसे मेरे प्लांट मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लांट्स के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।